आदाब नाजरीन, आगुर्द में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं मुजफ्फर इस्लाम। इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श नगर पंचायत घोसी में, सर्वोदय कॉलेज है, यहां पर हम मौजूद हैं। और कल जो है 11 मई को उत्तर प्रदेश के बलदियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तमाम अफसरान, आला अधिकारी, आला अफसरान जो है पूरी तरीके से सतर्क हैं। और पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, जिसके लेकर प्रशासन मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर नज़र है। और आइए देखते हैं, हम बात करते हैं सीओ सिटी से कि वो क्या कह सीओ घोसी से कि वो क्या कहते हैं इस पर, और एसडीएम घोसी से कि वो इस पर क्या कहते हैं। आइए बात को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या मुस्तैदी बरती जा रही है। सर्वोदय इंटर कॉलेज से 72 पोलिंग पार्टियां 24 बसों से रवाना कर दी गई हैं। पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, सेक्टर जोनल में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, बैरियर लगाए गए हैं चेकिंग के लिए, और किसी प्रकार से फर्जिंग होल्डिंग को रोका जाएगा और उसके लिए अलग से व्यवस्थाएँ भी की गई हैं, और थम जो स्कैन करने के लिए मशीनें भी लग से भी चेक करने की व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था बनाए जाने के लिए क्या इंतजाम है? पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, PAC लगी हुई है बूथों पर, और सेक्टर और जोनल भी लगी हुई है। आने के लिए यहाँ से कितनी पोलिंग पार्टियाँ रवाना हुई हैं? यहाँ से नगर पंचायत घोसी के लिए 40 और हमला के लिए 21 और दोहरी घाट के लिए 11, कुल 72 पोलिंग पार्टियाँ यहाँ से रवाना हुई हैं। और जी कल के चुनाव को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी चौकसी है, और किसी भी तरीके से फर्जी वोटिंग रोकी जाएगी। फर्जी वोटिंग अगर कोई पकड़ में आते हैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आग मऊ मतलब एतमाद आपका, 100% हकीकत पर मबनी खबर, हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना, तो देर किस बात की। अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।